नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कलेक्टर समेत सभी अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री का उद्बोधन शुरू होने के 45 मिनट बाद। कई अतिथि रहे नदारद, खाली पड़ी रही कुर्सियां। विदिशा के गंज बासौदा वन विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग से संयुक्त तत्वाधान में आज वन अधिकार उत्सव योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पट्टे बांधे गए एवं हितग्राहियों को मुख्यमंत्री का लाइव भाषण सुनाया गया। लेकिन हद की बात यह है कि कार्यक्रम ठीक तय समय 11 बजे शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री का उद्बोधन होने लगा था लेकिन मंच पर कलेक्टर समेत कोई अतिथि पहुंचे ही नहीं। पहुंचे और सभी को पट्टिका लगी, कुर्सी खाली रही। केवल मजवानी कर रहे विभागों के अधिकारियों के साथ अनुविभागीय अधिकारी बैठे रहे। कार्यक्रम के 45 मिनट बाद एक एक कर नेता, जनप्रतिनिधि और फिर कलेक्टर महोदय पधारे। हद तो तब हो गई जब SDM महोदय को दो दो बार स्वागत भाषण देना पड़ा और मुख्यमंत्री के उद्बोधन के पश्चात आधे कार्यक्रम के बीच में सरस्वती पूजन, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री के उद्बोधन के बीच बीच में कई बार स्क्रीन बंद हुई और बिजली भी गुल हो गई, जबकि मंच पर भाजपा जिला अध्यक्ष, जिले के दो दो विधायक के साथ कलेक्टर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में बिना आभार के केवल 29 हितग्राहियों को पट्टे वितरण कर इस अनोखे आयोजन का समापन हुआ। इस कार्यक्रम को स्पष्ट समझ गया कि मुख्यमंत्री की मंशा को जिले के अधिकारी कर्मचारी बट्टा लगा रहे हैं। विदिशा गंज बासोदा से LN चौबे के साथ आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। ये जो वनाधिकार पट्टे का आज प्रोग्राम हुआ है, इसमें विदिशा जिले से 97 कुल वनाधिकार पट्टे स्वीकृत हुए हैं और ये जो वनाधिकार पट्टे अभी ये तृतीय परीक्षण हुआ है पट्टों का। तो इसमें कुल जो भी पट्टे हैं, पहले भी वो विभिन्न कारणों से, क्योंकि इसके नियम बहुत सुस्पष्ट हैं कि वर्ष 2005 से पहले वहाँ काबिज रहे, तो ये तीसरा वेरिफिकेशन राउंड है। इसीलिए कई बार कई लोगों की आपत्ति है और जो वेरिफिकेशन हमारा प्रॉपर चल रहा है और किसी की कोई भी आपत्ति, उसको और आगे सुनते हैं। आज कुल विदिशा जिले के 97 पट्टे बांटे गए हैं, जिसमें 25 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक यहाँ दिए गए हैं। 25 हितग्राही से कुछ ज़्यादा संख्या भोपाल गई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं ले रहे हैं, और इसके अलावा कुछ लोग को पट्टे वहाँ पर डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज और काफ़ी घोषणाएँ की हैं, उनके बारे में डिटेल दर्शाएंगे, तो उसके बारे में अवगत कराया जाए। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आपको जो पट्टे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का सपना है कि हर व्यक्ति के सिर पर छत हो, हर व्यक्ति को पानी पहुंचे, हर व्यक्ति को बिजली की सुविधा उपलब्ध रहे और हर व्यक्ति सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आम लोगों को मिलती थी, चाहे वो फसल बीमा का मामला हो, तालाब का मामला हो, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, सारी योजनाओं में आपको सम्मिलित किया गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। आज जिन लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया माननीय शिवराज सिंह। आपको 15 महीने की सरकार ठेकाधिकारी के मध्य प्रदेश में सुनी बहुत, मात्र 5 महीने की सरकार शिवराज जी की, जो हर गरीब, किसान, बेरोजगार सारे लोगों की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।